पहले बात करते हैं कि अंग्रेजी रीट 2018 लेवल 2 में कुल कितने पद अभी तक वैकेंट बताए जा रहे हैं। जो सूचना आगे दिखाई दे रही है आपके चयनित नियुक्त रिक्त पदों का विवरण, इतने हमारे पास पद अभी तक रिक्त हैं। सबसे पहले सामान्य वर्ग में 165, OBC में 155, MBC में 6, SC में 97 और ST में 83। कुल 506 पदों पर अभी भी रिजल्ट आना बाकी है, क्योंकि आरक्षित पदों के अनुसार ही रिजल्ट निकाला जा रहा है। तो ये पहला रिजल्ट था जिसमें जनरल की रैंक जो थी वो 67.63 रही थी और डेट ऑफ बर्थ थी 15/9/87, और OBC की रही थी 65.77/11/10/92 और MBC की रही थी 64.63 और 10/10/90। SC की इसमें रही थी 61.53/2/7/91 और ST वालों की रही थी 54.30/5/9/80। इसके बाद देखो जो रिजल्ट आया था इसका रिशफल, उसमें मेल्ट डाउन हुई थी। जनरल की 67.03 हो गई थी 11/1/93, OBC वालों के 65.72/24/8/91, SC वालों के 61.42 और फीमेल की 40/21/8/1976 और ST वालों की 42.27। सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, सबसे ज़्यादा मेरिट जो डाउन हुई थी इन्हीं की हुई थी। अभी हमारे पास ये कैलकुलेशन है रिशफल जो आपका आया था, उसमें जनरल में 0.60 मेरिट घटी थी, OBC वालों की 0.05 और SC वालों की मेल में 0.11 और फीमेल में 0.13 और ST वालों की 11.63 मेरिट घटी थी। कुल 421 पदों के लिए रिजल्ट आया था। देखते हैं आगे, कुल 421 पदों के लिए रिजल्ट आया था जिसमें जनरल के 293 नए कैंडिडेट आए थे, OBC के 64, SC के 51 और ST के 13। यानी जनरल में एक सीट पर 5 कैंडिडेट उस टाइम बैठे थे, OBC में एक पॉइंट पे लगभग 13, SC में 5 और ST में हमारे पास थे एक कैंडिडेट। ये कैलकुलेशन है हमारे पास। अब जो सीटें हैं 506, जिसमें अगर 165 की बात करें, जैसे पिछली बार जो 421 पदों के लिए था, अगर उसी को आधार माने तो 0.33 तक मेरिट डाउन जा सकती है। OBC की 155 है तो यहाँ एक सीट पे 12 थी, तो अगर 12 ही मान के चलें तो 0.12 तक कम। SC के सेम ही माने एक पे 5 तो लगभग 0.20 और ST के 83 हैं तो पीछे 1% पे एक हुआ था, तो यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ कहा नहीं जा सकता। और MBC के 6, 506 पद अभी तक हमारे बताए जा रहे हैं जिसमें ये पद लिखे हैं। दूसरी तरफ जितनी मेरिट पीछे डाउन हुई थी उसके कोड लिखा है जैसे, और ये लास्ट कट ऑफ थी हमारी, तो 67.03 में से अगर इसी को उधार मनाएं तो 0.33 तक घट सकती है। 0.33 घटेगी तो 66.70 तक, और OBC वालों की 0.12 तक घटे उसी आधार पे तो 65.72 में से 12 और घटा लीजिए, डेट ऑफ बर्थ को साथ में याद रखिएगा, तो 65.60 तक। और SC वालों की अगर सेम घटाएं तो 61.42 है, तो अनुमानित है कि ये भी लगभग 20 या 21 तक टूटे, 61.20 हो सकता है, 21 हो सकता है। बाकी किस्मत की बात आपकी, एक पॉइंट पे पहले 5 थे तो अब 7 होते हैं या 4 होते हैं या 3 होते हैं। फिर ST की 42.66 पहले थी, अभी 83 नए कैंडिडेट चाहिए, तो इनकी किस्मत है कि 5% घटे, 1% घटे। और MBC वालों का 6 है तो डेट ऑफ बर्थ पे ये लगभग इशू रहेगा। तो इस प्रकार 506 पद हैं और हमारे पास मेरिट जा पॉइंटों में जा रही है। जनरल की मात्र 0.30 घटती है, 33 घटती है, तो लगभग 66.70 तक है जो कि OBC की है, उनसे ऊपर ही है, और OBC वालों की पॉइंटों में घट रही है। तो कैलकुलेशन है, इनमें कहीं दिक्कत नहीं आ रही है और उम्मीद है कि आपका रिजल्ट जल्दी आएगा और करेक्ट अनुमानित अपने को मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें चैनल से, ताकि जैसे ही नई न्यूज आती है तो आपको यहाँ डाल दी जाएगी और बता दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट रिजल्ट के लिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।